वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर सभी टीमों के बीच जंग जारी है। हर कोई फाइनल में जहां बनाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय टीम से लेकर पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें अपनी अपनी तरफ से जी जान से कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 1-0 से हरा दिया। इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव हुआ है। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला गयाना में खेला गया था। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 160 रन बनाए थे, हालांकि जवाब में कैरेबियाई टीम सिर्फ 144 रन बनाकर ही सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 246 रन बनाए और टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 222 रनों पर सिमट गई। इस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने न केवल यह मैच बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर ली। दक्षिण अफ्रीका को इस एक जीत से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा है। टीम अब एक स्थान की छलांग के साथ 5वें पायदान पर पहुंच गई है। दक्षिण अफ्रीका के 6 मुकाबलों में 2 जीत और 3 हार के साथ कुल 28 पॉइंट हो गए हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के टॉप 5 में जाने से पाकिस्तान को एक स्थान का झटका लगा है। वो एक नीचे पायदान 6 स्थान पर गिर गया है। उनके पास बांग्लादेश सीरीज में अपनी स्थिति को बेहतर करने का मौका जरूर रहेगा। अगर ओवरऑल पॉइंट टेबल की बात करें तो टीम इंडिया पहले पायदान पर अभी भी विराजमान है। भारत ने अभी तक कुल मिलाकर 9 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान 6 जीते हैं, जबकि 2 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मुकाबला भारत का ड्रॉ भी रहा था। इसी वजह से भारतीय टीम पहले स्थान पर है और एक बार फिर फाइनल में जाने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम है, जिन्होंने 12 में से 8 मैच जीते हैं। वहीं तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और चौथे स्थान पर श्रीलंकाई टीम है। आपको बता दें कि भारतीय टीम लगातार 2 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है और तीसरी बार भी फाइनल में जहां बनाने की प्रबल दावेदार है। टीम इंडिया अगले महीने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी अगली टेस्ट सीरीज खेलेगा, जो कि भारत अपने घर पर ही खेलेगी। इसके बाद भारत अपने घर में ही न्यूजीलैंड टीम की मेजबानी करेगा, जहाँ केन विलियमसन एंड कंपनी के साथ भारतीय टीम 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। इसके बाद नवंबर महीने में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाएगी। टीम इंडिया के लिए घरेलू मैदान पर भले ही मुकाबले आसान हो सकते हैं, लेकिन भारतीय टीम की असली परीक्षा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होगी, क्योंकि भारत पिछले 7 साल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का विजेता है और ऑस्ट्रेलियाई टीम इस बार अपना सारा बदल लेने की कोशिश करेगी। वहीं भारतीय टीम की नज़रें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दोबारा से हथियाने पर होगी। अब आप हमें बताइए कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुँच पाएगी या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाएं।